हेलो हाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ट्रैकर्स में। आज हम जा रहे हैं केदारनाथ। केदारनाथ के लिए हमारा सफर चल रहा है। हमारी पीछे से टोली खड़ी हुई है, यहाँ पे अभी हमने सामान रखा है। 127 किलोमीटर का जो हमारा ट्रैक है, वहाँ से हम केदारनाथ के लिए जाएंगे, रुद्रप्रयाग, उखीमठ, गुप्तकाशी होते हुए। तो इधर का हमारी तैयारी चल रही है, बाकी हमारे सारे साथी लोग यहाँ पे खड़े हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोगों का बाद में कराऊंगा, जहाँ पे भी टाइम मिलेगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग चल दिए हैं कर्णप्रयाग से। पीछे एक खूबसूरत शहर कर्णप्रयाग रहा, और जो बाकी के सदस्य हैं आप देख सकते हैं वो आगे की ओर चले जा रहे हैं। तो अभी मैं अजय भाई के साथ आगे को बढ़ रहा हूँ, हमारे अजय विजय पहाड़ी यूट्यूब चैनल के। आगे कोई अपडेट होता है, खूबसूरत जगह आती है, हम आप लोग को दिखाते रहेंगे। देखिए ब्लॉग से दूरी मत बनाइएगा, ब्लॉग पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी हमारे यहाँ पे जो मेम्बर्स हैं, ये टेंट थोड़ा कल रात बारिश में, यहाँ बारिश हुई थी, बारिश में भीग गया था, जिस वजह से अभी इसको फोल्ड कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। गाइस अभी हम यहाँ पर रुके हैं, ये धारा कहते हैं, पहाड़ों में जगह जगह पे आप लोगों को स्रोत देखने को मिल जाएंगे। क्या हो रहा है कमल भाई? बरस हो रहा है भैया। क्या स्टे करने के लिए वहाँ पे सही था? नहीं वहाँ पे हमने देख रखा है, वो उसके पीछे तो देख लो क्या है, डंपिंग ग्राउंड है उसके पीछे। ये हम है, ये हमारा बर्फ है, और ये हम बर्फ कर रहे हैं। If you wanna go on down, यहाँ पे प्रतिभा का अभी MSc का रिजल्ट आ रहा है, बेचारी बहुत टेंशन में है, इसका चेहरा देख सकते हैं आप लोग। पास होगी फेल है? पास की तरफ 40, फेल की तरफ 60। नीलम को किस बात का दुख लगा है यार, जूम मार के दिखाऊं? नीलम वो चाय आ गई, चाय ले लो, लो लो लो, पीछे बढ़ा दे दोस्त। लड़ा जेट है यार, रेफर चलेंगे इसी बात। अच्छा ही मेन मार्केट होगा यहाँ का। आइसक्रीम खाई जा रही है स्मृति माँ। कैसा फील कर रहे हो भैया? बहुत अच्छा। थोड़ा जोर से बोलो। बहुत अच्छा। मेरे को अगर रास्ते में आइसक्रीम मिलती है, मैं आइसक्रीम ही खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। ओके। अरे इसके लिए रोटी भी तो पैक करानी पड़ेगी। तुमने कहा कि हम आते अभी ऊपर से, इसको अभी ऊपर से खिला लाते हैं। बिहारी लेबर बना के मतलब क्या ना, क्या चाहते हो? बना हुआ मैं खुद से लेबर बिहारी। अच्छे लग रहे हो यार। सुबह से चलते चलते लगभग 2.5 घंटा हो गया है हम लोग को चलते हुए, लगभग 5-7 किलोमीटर हम चल गए हैं सुबह से। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आगे गौचर करके एक जगह आती है, तो गौचर मार्केट से अपना सामान वामान लेंगे। अभी आगे चल गया, मैं खाना भी बनाना है, अभी आज सुबह का नाश्ता नहीं कर रखा है। ये पीछे अभी हम लोग रुके थे, खाना बनाया था दिन का, खाना भी बहुत ज़रूरी हो गया था, रुके थे, तो काफ़ी टाइम हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं, देखते क्या होता है। आगे चल के 2-4 किलोमीटर चलते हैं, देखते हैं कोई रुकने लायक, अगर कोई नई जगह आती है, अच्छी नई जगह आती है, तो वहाँ पर टेंट लगाते हैं, या जो भी व्यवस्था होती है, जैसा भी रहने का होता है, हम आप लोगों को बताएंगे। अभी खाना ना खा के बिल्कुल टाइट है, अभी खाना ना खाया जस्ट। हमारे यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगभग सुबह 8-8:30 बजे हम कर्णप्रयाग से चल दिए थे, दिन भर चले हैं, एक जगह रुक के हमने अभी खाना बनाया था, खाना खाया, उसके बाद अभी काफ़ी रात हो गई थी, तो ये नगरासू करके एक जगह आती है, उसके पास में ही एक बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, तो मैंने बाबा जी से जाके अंदर बात की, उसके बाद बाबा जी ने हमें रुकने के लिए जगह दी है, अंदर रूम भी है, सारी सुविधाएं हैं। अभी चलते हैं वहाँ, हमारे बाकी साथी तो अंदर चले गए हैं, मैंने उनको अंदर भेज दिया है,
काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छे लोग हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले लोग हैं यहाँ पे। मैं अंदर चल के आप लोग को दिखाता हूँ कि कहाँ रुके हैं हम, कैसी जगह में रुके हैं। तो रूम नंबर 29 हमारा है, रूम नंबर 29 में हमें रुकने को कहा गया है, हमारे बाकी साथी भी यहीं पर हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा रूम नंबर 29 है, यहाँ हमारे साथी लोग हैं। ये कमरे का माहौल है, देख सकते हैं इनके चेहरे की खुशी आप लोग देख सकते हैं। हम बहुत लंबी यात्रा करके थक चुके हैं, आज अभी हमें ये रूम मिला हुआ है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। हाँ, यहाँ पर बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है, गद्दा है और बाकी कुछ और भी मिल जाए तो बहुत मज़ा। हम लोग को जन्नत मिली है, जन्नत जन्नत मिली है, जन्नत। इसका कहीं से भी कहीं तक कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो सबसे दुखी प्राणी है इससे कैसा फील हो रहा है आपको? आराम मिल रहा है, रेस्ट ऑन पीस दिख रहा है, देख रहा है भाई। और आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत मतलब, बट एक ही टेंट में रहते तो और ज़्यादा मज़ा आता है वैसे, रूम से ज़्यादा एडवेंचर और वो चीज़ ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू।